हम विचारों से कांग्रेस विरोधी और कांग्रेस के साथ भी हमने खुले तौर पर यह मैंडेट दिया था 10 विधायकों के साथ कि अगर इन 5-6 चीजों पर कांग्रेस चाहे तो हमारे साथ समझौता कर ले और उन सभी विधायकों को साथ ले आए जिनके दम पर यह सरकार कायम हो। वैसा संभव ही नहीं था और भूपेंद्र हुड्डा उसके लिए तैयार नहीं थे, कांग्रेस के और लोग तैयार नहीं थे। सरकार एक स्टेबल देना यह हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि बार बार ऐसी वो ना हो कि लोगों को जो है ना उसमें वो होना पड़े, बीच में अपना मैंडेट देना पड़े। तो हमने एक स्टेबल सरकार लोगों को दी, अच्छे काम हुए। कोरोना काल चलते मैं ये मानता हूं इसको 5 साल की सरकार नहीं मानेंगे, इसको हम सिर्फ 3 साल की सरकार मानेंगे। 3 साल में जो काम हुए वो कैसे हुए और कोरोना काल में कोरोना हरियाणा में कैसे निपटा गया वो भी एक रिमार्केबल। तो भाई इसका सरपंच लगातार सरकार के खिलाफ है, प्रदर्शन कर रहा है, ऐसे में भाई सरपंच सरकार के खिलाफ है, सरकार किसके साथ है मैं इस पे नहीं जाऊंगा, मैं सरपंचों के साथ। मैंने पहले तौर पे दिन पे कहा था कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में पावर्स चुने हुए नुमाइंदों की ज्यादा होनी चाहिए और मेरी नाराजगी भी थी इस बात से कि कैसे आप किसी की पावर को छीन सकते हो। मैंने उस दिन भी कहा था कि इनकी पावर बढ़ानी पड़ेगी, फिर बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? अभी भी मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं, जो बढ़ाई है वो कम बढ़ाई है। 20 लाख करी थी तो 20 से तो 40 लाख होनी चाहिए थी या उससे ज्यादा करनी चाहिए। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जो अधिकारी है उसे 5 साल बाद जाकर के लोगों के वोट नहीं मांगने, हमने लोगों का हर 5 साल के बाद पेपर क्लियर करना है, टेस्ट देना है। अगर हम गड़बड़ करेंगे तो स्वीकार करो और आगे बढ़ो, जस्टिस तो जनता करती है, वोट के मैंडेट से होता है, तो इतना घबरा क्यों रहे हो, इतना डर क्यों रहे हो? दिग्विजय प्रदेश में बड़े भाई को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, मेरे देखने ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा की जनता क्या चाहती है? क्या जो 2019 में दुष्यंत चौटाला को एक नए नेतृत्व के तौर पर देखा और उन्होंने जो डिलीवर किया, जो काम किया, क्या एक पूरा मौका दुष्यंत चौटाला को हरियाणा की जनता देगी? ये तो जनता ने तय करना है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम लोगों के बीच में रहने वाले हैं और लोगों के बीच में जब जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आम तौर पर एक जनमानस की एक भावना है कि एक पूरा मौका दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री के तौर पर देकर देखना चाहिए। पढ़ा लिखा, सूझबूझ, नरम स्वभाव का एक व्यक्तित्व है जो आगे जाकर इस प्रदेश को अग्रिम पंक्ति में ले जा सकता है। तो दीदी जी, बड़े भाई को मुख्यमंत्री का सपना देखने की बात कही, नहीं लगता कि प्लेटफार्म अलग से उठाने भाई या इसमें कोई वो नहीं होता? मैं एज अ लीडर उनको अपना लीडर मानता हूं और मैं ये देखता हूं कि वो अच्छे नेता हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी उनमें कम समय में आई है, इसीलिए आज देश की टॉप लीडरशिप कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन कोई भी पार्टी का हो उन्हें रिगार्ड करता है, उन्हें इज्जत देता है। तो इससे ये एक आम तौर पर भावना बन गई हरियाणा की जनता की और हरियाणा की जनता उन्हें आगे बढ़ाना चाहती है। अब मैं यही तो कहता हूं बार बार कि 10 सीटें हमारे पास है, 45 सीटें होती तो आप ये क्वेश्चन ठीक मेरे से पूछ पाते। हमारे पास 10 सीटें हैं, हमें मिलजुल करके चलना है, सही, हम जितनी हमारी जितना हमें मत मिला उस हिसाब से हम पेंशन बढ़ाने में अभी कामयाब हुए हैं, मगर राजनीतिक लोगों की भूख कम नहीं होनी चाहिए लोगों के सेवा के प्रति। तो हमें हमारा लक्ष्य अभी भी ये है कि उसको 5100 कैसे 5 साल में पूरा करें। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।